हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्पाती पोल के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्टील पोल के बारे में बता दिया है, ये उसी का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्पाती पोल, इसे हम संकुचित आधार वाले पोल भी बोलते हैं, जैसे कि उसका ये पार्ट है, ये है संकुचित आधार वाले पोल। तो इसकी जो ऊँचाई होती है, पृथ्वी से ऊपर की ऊँचाई होती है 15 से 30 मीटर होती है, ओके। एंड आधार होता है इसका, पृथ्वी पर आधार का माप 5x5 मीटर होता है। दो पोल मतलब इनका जो स्पान होता है, दो पोल के बीच का स्पान 200 से 500 मीटर तक होता है, मतलब 200 से 500 मीटर तक इनका स्पान हो सकता है। नंबर फोर है मैक्सिमम लाइफ टाइम, इनके ये कितने तक टाइम तक चल सकते हैं, तो इनकी होती है 100 ईयर लाइफ होती है। अब है हमारा इनका सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5 होता है, ओके। एंड इनको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, जैसे नदी, नाले, झील, राजमार्ग, ETC, मतलब और भी जगह इनको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो हमने इसका दूसरा पार्ट था, विस्तृत आधार वाले इस्पाती पोल। तो उनमें क्या होता है, ये किस प्रकार के होते हैं, उनकी डिज़ाइन, तो इनकी जो हाइट होती है हमारी 20 से 40 मीटर होती है। इनका साइज 2x2 मीटर होता है, ओके। नंबर थ्री है पोल के बीच का स्पान, इनका जो स्पान होता है 300 से 1000 मीटर होता है। अब जैसा कि स्पान क्या होता है, स्पान हमारा वो होता है जो एक पोल से दूसरे पोल तक की बीच की दूरी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पान कहलाता है। अब ये स्पान हमारा सभी पोल्स में अलग अलग होता है, जैसा कि वुड पोल के लिए अलग है, स्टील पोल के लिए अलग, सीमेंट कंक्रीट पोल के लिए अलग, ये सबके लिए अलग अलग होता है, ओके। और इनकी सबकी हाइट भी अलग होती है। अब है मैक्सिमम लाइफ टाइम, तो ये कितने लाइफ टाइम तक चल सकते हैं अच्छे से, तो इनकी मैक्सिमम लाइफ टाइम है 100 ईयर। ये 100 ईयर तक बिना खराब हुए चल सकते हैं। और इनको जो हमने ये इस्पात के होते हैं, तो इसीलिए इनमें जंग वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए हम इनको काफ़ी सेफ्टी दे सकते हैं, ओके। जैसे पेंट वगैरह कर सकते हैं इनके ऊपर, ओके। अब है हमारा नंबर फाइव सेफ्टी फैक्टर, तो सेफ्टी फैक्टर इसमें 1.5 होता है। आप जैसा कि जानते हैं सेफ्टी फैक्टर 1 कभी नहीं होता है, ना ही 1 से ज़्यादा होता है, ओके। अब है मेरिट, मेरिट ऑफ स्टील टावर, तो हम जानेंगे इसमें मेरिट। फर्स्ट है वुड पोल की तरह इनमें आग तथा दीमक लगने का भय नहीं रहता। अब जैसे कि वुड पोल है, वुड पोल में क्या होता है, दीमक लगने का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है, और ये जो क्या है वाटर में खराब भी हो जाते हैं। तो ये जो इस्पाती पोल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है इनमें, ये आसानी से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब है यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है। अब जैसे कि वुड पोल है, वुड पोल में अगर हमारा कोई भी बाहरी नुकीला पदार्थ लग गया, तो जो हमारा वुड है, लकड़ी है, वो खराब हो जाएगी और वहीं से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, इसलिए इनकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है, हाई होती है। नंबर थ्री है जलवायु के कुप्रभावों से पूर्ण मुक्त होते हैं। अब जो जलवायु के कुप्रभाव, मतलब जो हमारे वातावरण में जो नमी होती है, उनके प्रभाव से ही क्या होता है, मुक्त होते हैं। नंबर फोर है विशाल होते हैं, मतलब ये काफ़ी बड़े होते हैं। वुड पोल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, अब शादियों में, वैसे विवाहों का नॉर्मली कार्यों में यूज़ करते हैं, अब पहले हम लाइनों में यूज़ करते थे, बट अब नहीं करते हैं, ओके। तो ये क्या है, विशाल होते हैं, ये टावर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। नंबर फाइव है इकोनॉमिकल साबित होते हैं, तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल है, इतना ज़्यादा मतलब खर्चा भी नहीं आता है, इतना ज़्यादा इनकी ड्यूरेशन भी अच्छी है, मतलब जो लाइफ भी इनकी अच्छी है, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा इकोनॉमिकल लगते हैं। अब आता है हमारा डीमेरिट्स, तो अब हमारा क्या है डीमेरिट्स, जब हमारी मेरिट्स होती हैं तो कुछ चीज़ों की डीमेरिट्स भी होती हैं। नंबर वन है ये अति भरकम एवं विशाल होते हैं, तो यही हमारा एक मेरिट भी थी कि ये हमारे विशाल होते हैं, बट यही हमारा एक डीमेरिट बनता है, ये अति भरकम एंड विशाल होते, तो ये मतलब इनका वेट भी भारी होता है और ये बड़े भी होते हैं, तो इसलिए हम इनको आसानी से कहीं लेकर नहीं आ सकते, इधर उधर नहीं ले जा सकते। नंबर टू है ये अधिक स्थान घेरते हैं।
अब जो हमारे वुड पोल हैं या फिर नॉर्मली सीमेंट कंक्रीट पोल हैं, उनको हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं और वो ज़्यादा स्थान भी नहीं घेरते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत स्थान घेरते हैं। नंबर थ्री है इनकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, इनकी ऊंचाई काफ़ी होती है क्योंकि जो हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हमारी हाइट काफ़ी होती है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। नंबर फोर है इनकी प्रारंभिक कीमत हाई होती है, इनकी प्रारंभिक कीमत हाई हो जाती है क्योंकि ये हमारे काफ़ी हैवी वेट के होते हैं और काफ़ी विशाल होते हैं, इसलिए इनकी जो प्रारंभिक कीमत है काफ़ी अधिक हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे पोल्स, हमने सारे पोल्स के बारे में बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।